जहां चाकूबाजी मामले में एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल उदयपुर में मुखर्जी चौक है जहां पर तनाव बढ़ा, दो पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस का भारी जाप्ता वहां पर तैनात कर दिया गया है। उदयपुर में आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मां को बताया जा रहा था कि बेटे को, जो छात्र है जिसका हॉस्पिटल में इलाज जारी है, उससे मिलने नहीं दिया गया और महिला फिर मां जो है वो धरने पर बैठ गई और मां के साथ कई सारे महिलाएं और भी धरने पर आपको नजर आ रही हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर पहुंचा ताकि परिस्थिति को संभाला जा सके। मुखर्जी चौक पर तनाव बढ़ गया है। अपडेट ये निकल कर आया है उदयपुर के चाकूबाजी मामले में, जहां छात्र का एक तरफ घायल छात्र का इलाज जारी है, तो वहीं मां आज जब मिलने के लिए पहुंची तो उनको मिलने नहीं दिया गया और उसी के साथ ही मां नाराजगी जताते हुए तमाम महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गई और इसीलिए पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। और मुखर्जी नगर में तनाव बढ़ने को लेकर आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो लगभग उदयपुर में ये बीते परसों की बात है, मतलब कल से पहले के दिन की बात है, यानी कि ये 16 तारीख की घटना की बात है और 16 तारीख से ही शाम को ये फरमान जारी किया गया था, लगभग 10-11 बजे रात की, 16 रात की। और उसके बाद से कल 17 पूरे दिन इंटरनेट बंद रहा। आज भी था कि आज सुबह 10 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं वहां पर बहाल नहीं हो पाएंगी, लेकिन जिस तरह से मुखर्जी नगर में फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने इसको, जो इंटरनेट सेवाओं की जो अवधि है उसको और बढ़ा दी है। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं उदयपुर में फिलहाल बंद रहेंगी। तो और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात हो गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप पुलिस फोर्स देख रहे हैं, दूसरी तरफ मां के साथ महिला जो बैठी थी। स्कूल का झगड़ा सुलग गया उदयपुर, बिगड़ गया माहौल, भड़क गई भीड़, जरा सी देर बिगड़ जाते हालात, समय रहते मुस्तैद हुई सरकार। उदयपुर के भटियान चोटा इलाके में दो स्कूली छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी के मामले में आरोपी के घर को नस्तनाबूद कर दिया है और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि कार्रवाई जो है लगभग पूरी हो चुकी है। जो आरोपी का जो घर था पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। दो जेसीबी की मदद से इस कार्रवाई को पूरा किया गया और अब मलबे को उठाने का काम यहाँ किया जा रहा है। आप देखिए कि अब करीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय इस वजह से लगा कि वे इसे खाली या मकान को खाली करने का समय जो है वो दिया गया था। शुक्रवार को सरकारी स्कूल के दो छात्रों के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और जमकर पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे के लिए नेटबंदी का आदेश जारी कर दिया। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। शहर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे रिजर्व हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। घटना सूरजपुल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई। यह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भटियानी चौहट्टा में एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी वहां से फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल छात्र को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया जा रहा।
घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट अलग अलग धर्म के बताए जा रहे हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्किल, हाथी पुल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार, घंटा घर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस ने नाबालिग छात्र को निरुद्ध कर उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से पुलिस की 7 कंपनियां उदयपुर पहुंची। फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति है। कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। शनिवार से अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मामले में सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट अब वायरल हो रहे हैं। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आरोपी ने पीड़ित छात्र पर कातिलाना हमला कर दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोनों छात्रों में 3-4 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद आरोपी ने पीड़ित छात्र को सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी। उसके बाद शुक्रवार को सुबह आरोपी अपने बेड में चाकू लेकर आया और सुबह दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई और उसने अपने सहपाठी को चाकू मार दिया। शनिवार को मामले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में हमलावर छात्र अपनी स्कूटी पर बैठकर भागता हुआ दिखाई दे रहा। ये वीडियो वारदात को अंजाम देने के बाद का बताया जा रहा, जिसमें आरोपी छात्र स्कूल की तरफ आ रहा था। वीडियो में कुल 8 छात्र नजर आ रहे हैं। 4 छात्रों का ग्रुप आगे चल रहा है और उनके पीछे 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और आखिर में टोपी पहने हुए हमलावर छात्र है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर छात्र स्कूल की तरफ जा रहा था, मगर अचानक वो रुक गया। इसके बाद वो वापस मुड़ा और कुछ देर बाद अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल लेक सिटी के हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस प्रशासन तगड़ी रणनीति पर काम कर रहा। इसके लिए उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के अलावा जयपुर और आसपास के जिलों से भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया। खबर है कि बीते समय में उदयपुर में पदस्थापित रहे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कॉल कर वहां पर बुला लिया गया ताकि बवाल पर जल्दी से काबू पाया जा सके। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शहर की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश भर के स्कूलों में नुकीली सामग्री और हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी। उदयपुर से कपिल श्रीमाली और कमलेश, तकनीकी रिपोर्ट। और चलिए आपको बताते हैं कि उदयपुर में स्कूली छात्रों के बीच में हुए चाकूबाजी के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का क्या बड़ा बयान आया है। दरअसल उदयपुर पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल में हुई घटना को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने शिक्षा मंत्री से क्या कुछ बातचीत की है वो आपको सुनाते हैं। मंदिर में ये जो घटना कैसे देखते हैं?